नमस्कार पच्चीस हजार में सूट के होलसेलर बने एकदम सही बात आप सुन रहे हैं हो सकता है आपको अपने कानों पे विश्वास ना हो रहा हो एकदम सही बात सुन रहे हैं और इस वीडियो में हो सकता है बीस पच्चीस मिनट का वीडियो हो, हो सकता है तीस मिनट का वीडियो हो लेकिन इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से सुना क्यों मैं इतना लंबा वीडियो बना रहा हूँ इसलिए ताकि मैं पूरा प्रोसेस बता सकूँ पूरी चीज़ समझा सकूँ तो ये वही लोग देखेंगे जिनको ये करना है ठीक है और इस तरीके से करोगे तो हंड्रेड परसेंट मैं ये वादा करता हूँ कि आपका ये बिजनेस जो है वो चलेगा और पच्चीस हजार रुपये में आप होल सेलर बन पाओगे बस थोड़ा सा ध्यान से सुनना एक एक चीज़ मैं बताऊँगा अच्छा एक चीज़ और समझ लो कि जो अभी देखने जा रहे हैं वो नीचे कमेंट पढ़ के जाए क्योंकि मैं यहाँ आपसे कह रहा हूँ कि जब आप कमेंट पढ़ो जब लोगों ने कहा हो कि हाँ वीडियो फिजूल का नहीं है तभी आप आगे देखो नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे लिए टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है और लास्ट में जाके आप जरूर कमेंट करना कि भाई वीडियो आपको कैसा लगा कि आप पच्चीस हज़ार में होलसेलर बन सकते हैं जैसा मैंने तरीका बताया कि नहीं बन सकते जरूर 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 कमेंट करना वो इसलिए क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे आपने थंबनेल देखे होंगे जो पोस्टर होते हैं जो यूट्यूब आप देख के जिसमें अंदर जाते हो कि भाई इतने में ऐसा कर लो उतने में ऐसा कर लो और जब लास्ट में आप जाते हो तो कुछ नहीं मिलता लेकिन मैं ऐसा वीडियो बनाता हूँ जिसमें ज़रूर आपको वो मूल्य मिलेंगे जो मैंने लिखे तो सबसे पहले सबसे पहले जब ऐसी बात आती है कि होल सेलर बने तो मैं एक बात 100% परसेंट आपको कहता हूँ कि आपको जानकारी ज़रूरी है आपको आना चाहिए और आना कैसे चाहिए वो मैं बताता हूँ देखिए अगर आपको ऐसा करना है ना तो आपको सीखना पड़ेगा सीखने का तरीका मैं समझाता हूँ जब भी आपको एक चीज़ आप समझ लो कि जब भी आप कैसे एम बी बी एस करते हो जबकि कोई डॉक्टर बनते हो तो एम बी बी एस की पढ़ाई कितने समय होती है पूरे पूरे छः साल लगते हैं पढ़ाई लगती है पैसे लगते हैं उसके बाद वो निकलता है और फिर जाके अपनी एक दुकान ही कहेंगे उसको डिस्पेंसरी खोलता है चलेगी नहीं चलेगी नहीं पता लेकिन पता है छः साल वो मेहनत करता है छः साल वो पैसे देता है उसके बाद वो अपने व्यवसाय में उतरता है लेकिन हम आप क्या करते हैं कि आप पच्चीस हज़ार ऑनलाइन से हम एक कोई सामान खरीद लें और उसे बेच दें और हम बिजनेसमैन बन जाएं, जो कि असंभव है मैं ये नहीं कहता कि आप छः साल मेहनत करो मैं सिर्फ आपके दो महीने तीन महीने मांगता हूँ ताकि आप उसे ठीक से सीख सको कैसे करना है अब मैं उस पर बताता हूँ सबसे पहले अगर आपको सच में सूट का बिज़नेस करना है ना तो एकदम तो टारगेट कर लो कि आपको सूट का बिज़नेस जो करना है वो ऐसे जैसे मैं बताऊंगा ना वैसे फॉलो करना है सबसे पहले आप अपने होलसेल मार्केट में जाओगे एकदम ध्यान से समझो अपने होल क्योंकि देखिए एक चीज़ होती है कि हर जगह जैसे मान लीजिए आप राजस्थान में रहते हो तो वहाँ का सूट का कल्चर अलग है अगर आप पंजाब में रहते हो तो वहाँ का सूट का कल्चर अलग है अलग पैटर्न के सूट आते हैं अगर आप साउथ साइड में रहते हो तो उसका अलग है अगर आप मध्य प्रदेश वगैरह में रहते हो तो वहाँ जो सूट के कलर डिज़ाइन या पैटर्न होते हैं वो अलग होते हैं तो एक चीज़ आपको समझ लो कि अगर आपको सूरत से काम करना है अगर आपको सूरत जाके सूट

ऐसे हाथ में हवा में मत जाना नहीं तो ना करो सीधी सी बात है अगर करना है तो ठीक से करो वहां जाओगे आपको साफ सी भाषा में ये कहना है 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 कि सर मुझे एक दुकान खोलनी है। दुकान खोलनी खोलनी है, ठीक है? आप करना है, आपको होलसेल का काम मैं ये नहीं कर रहा हूं आपको लेकिन वहां जाना है अब वो बोलेगा कि ठीक है दुकान खोलनी है अब दो तरीके होते हैं वहां पे अगर दुकान खोलने के लिए आप गए हो तो एक चीज होती है कि जब कोई दुकान खोलता है तो बहुत सारा माल लेता है एक साथ पूरी दुकान भरता है ना तो बहुत सारा माल लेता है तो जब किसी होलसेलर के पास जाओगे जो आपके क्षेत्र का बड़ा होलसेलर हो तो सबसे पहले तो सोचेगा कि नहीं भाई देखो सबसे पहले तो ज्यादा माल लेगा तभी वो आप में इंटरेस्टेड होगा ठीक है और दूसरी चीज चीज़ें नया है तो इसमें जो हमारे पुराने माल है वो भी हम देंगे ठीक है वो उसकी थिंकिंग है आपको तो अपने काम से मतलब है उससे कोई मतलब नहीं कि वो क्या सोच रहा है दूसरी चीज़ आपको 100 परसेंट साफ शब्दों में कहना है कि भैया पहले आज मुझे बताओ कल परसों आके मैं माल लूंगा पहले मुझे समझाओ कि कैसे क्या है कौन कौन से पैटर्न यहाँ चलते हैं कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा चलती हैं किस रेंज का माल ज़्यादा चलेगा मेरे क्षेत्र में बाकी 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 एक्सर्जेक्ट वो सारी चीज़ें बताएगा कि भाई ऐसा है वैसा है इस तरीके का ज़्यादा चलता है ये ये सूट कुछ सूट दिखाएगा ये सारी आपको बहुत इतमान से सारा ध्यान लगा के वो चीज़ें सुननी नए हो आप मुझे पता है लेकिन आपको एक एक चीज सुननी है आपको एक एक चीज़ ऊपर मतलब ध्यान देना है लिख लेना है बाहर जाके वहाँ लिखोगे तो लोग कहेंगे ले फिर भी जितना हो सके आप लिखो अगर वो अलाउ करते तो वहीं लिख दो नहीं तो बाहर जाके लिखो सारी बातें समझो सीखो कौन सी चीज़ कितने में आती है कितने में परसेंट में बिकती है वगैरह वगैरह एक्स वाई जेड सब ठीक है इसके बाद क्या करोगे इसके बाद दूसरे होलसेलर तीसरे होल सेलर ऐसे करके जितने भी दो चार पाँच आपके क्षेत्र में अच्छे होल सेलर हैं उनके पास जाओगे तो पहले वाले से आपने काफ़ी कुछ सीखा सेकेंड वाले के पास जाओगे तो आपका आपकी काफ़ी कुछ, कुछ चीज़ें क्लियर होंगी एक दो जो क्वेश्चन हैं वो आप उससे कर पाओगे तो वो समझेगा कि नहीं थोड़ा बहुत नॉलेज आपको है उसके बाद तीसरे के पास जाओगे तो आपको नॉलेज बहुत कुछ हो चुका होगा और चौथे पांचवे के बाद आपको काफ़ी हद तक अपने एरिया के सूट के बारे में ध्यान रखना टारगेट आपका सूट है ना सूट के बारे में आपको बहुत कुछ नॉलेज हो जाएगा अब जब आपको ये पूरा नॉलेज हो गया है आप समझ चुके हो कि आपके क्षेत्र में कौन सा सूट चलता है किस चीज़ का क्या, क्या नाम है कैसा कैसे पैटर्न आते हैं क्या क्या रेंज है लगभग लगभग आप काफ़ी कुछ सीख जाओगे क्योंकि जिस समय चलते हो ना जिस समय आप गए होगे उस समय एक ही पैटर्न हर दुकान में आए होगा हर दुकान में लगभग लगभग एक ही पैटर्न का माल होगा लगभग लगभग हर दुकान में वही चीज़ आपको दिख रही होगी कलर डिजाइन वगैरह वगैरह तो आप समझ जाओगे कि यार ये यहाँ पे ऐसा था यहाँ पे ऐसा था यहाँ पे ऐसा था सब कुछ ओके अब इसके बाद दूसरा स्टेप आता है कि आपको अपने गांव से अपने शहर से बाहर निकलना है यानी कि सूरत की तरफ जाना है अब सूरत की तरफ जाओगे तो ऐसे नहीं मतलब आप ये सोच रहे होगे कि सर मुझे 25,000 में बता रहा है 25000 में तो सूरत जाएंगे तो क्या होगा कैसे होगा बहुत होलसेलर की बात कर रहा हूँ अगर आपको अगर आपको अपने क्षेत्र में सिर्फ दुकान खोलनी होती पच्चीस हज़ार में तो मैं कहता भाई साहब वहीं के होलसेलर से लेके कर वहाँ पे अपनी दुकान खोल लो लेकिन आपका मेंटल स्थिति हमें यह समझ रहा हूँ ये समझा रहा हूँ कि आपको होलसेलर बनना है तो ये सारी प्रक्रिया करनी है अगर आपको सिर्फ रिटेलर बनना है तो सिर्फ आप पच्चीस हजार रुपये अगर आपके पास है तो ऑनलाइन मत खरीदो सीधे जाके अपने क्षेत्र के होलसेलर से माल खरीद लो अपने घर में जहां भी आपको दुकान खोलनी खोल लो वो इसलिए कि अगर कोई कम ज्यादा होगा तो आप उससे जाके बोल पाओगे नहीं तो सूरत से मंगा लिया ऑनलाइन मंगा लिया तो बोल भी नहीं पाओगे ठीक है ना तो अब आपकी बात यहां तक हो गई कि अगर आपको होलसेलर बनना है तो ही ये प्रोसेस अपनाना है जो मैंने कहा है ठीक है या जो मैं कह रहा हूं अब इसके बाद सूरत जाओगे तो एक चीज़ याद रखो सूरत जाते ही माल पच्चीस हज़ार का नहीं लेना है ठीक है आपको जाना है जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ उसको ध्यान से रिंग रोड है सूरत में रिंग रोड है सबको पता होगा नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ रिंग रोड है लगभग लगभग लग 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 डेढ़ किलोमीटर दूर है आपके स्टेशन से और हज़ारों हजारों बड़े बड़े शोरूम हैं ठीक है शोरूम का मतलब वो नहीं कि सिर्फ फुटकर में माल बेचते हैं बहुत बड़े बड़े शोरूम हैं जो होलसेल में डील करते हैं यहाँ तक कि एक्सपोर्ट करते हैं अब आपको सबसे पहले यह करना है कि वहां रहने का तो रहने के लिए एक चीज आप छाँट लो रिंग रोड के आसपास रहोगे तो बहुत कॉस्टली है हाँ नहीं रहना है आपको स्टूडेंट क्षेत्र चुनना है जहां पे स्टूडेंट लोग रहते हैं ठीक है थीके? वहां जाना है और वहां जाके आपको एक हॉस्टल का रूम लेना है हॉस्टल के रूम में आपको रहना है पाँच हजार में आपको खाना रहना सब मिल जाएगा शेयरिंग बेस में लेना आपको तो समय काटना है आपको तो सिर्फ सीखना है ना एज ए स्टूडेंट आए आप सोचो जब भी आप कभी ऐसी जगह जाते हो जैसे आ, आपने आई देखे होंगे पी देखे होंगे मुखर्जी नगर में आपने बहुत सारी रील्स देखी होंगी या गए होंगे तो अगर आप गए हो तो वहाँ छोटे छोटे कमरे होते हैं जो आई जो फॉरेन सर्विसेज में रहेगा कहीं इंडिया का राजदूत बनेगा या किसी सचिव बनेगा मुख्य सचिव बनेगा डीएम बनेगा वो किस कमरे में रहता है 25 बाई 25 के कमरे में छोटे छोटे कमरे होते हैं मेहनत करता है भले ही आज आपको दिख रहा है कि वो कार से चल रहा है बंगले में रहता है ये पचास नौकर हैं लेकिन उस समय आप सोचो जब वो संघर्ष कर रहा था तो वही स्थिति आपकी है जब भी आप संघर्ष कर रहे हो ठीक है आप फ्लाइट से चलना बड़े बड़े आलिसान होटलों में रहना लेकिन आज अभी आपका समय उस संघर्ष का है तो संघर्ष के समय ये मत सोचो कि यार मैं छोटे से रूम में रह रहा हूँ एक रूम में चार लोग रह रहे हैं ना अभी आपको सीखना है तो सीखना है तो सीखने के पर्पज से आप आगे बढ़ोगे ठीक है अब आपने वहां रूम फाइनल किया कि भाई ठीक है पांच हजार में मिल गया छह हजार बस इससे ज्यादा नहीं मिल जाएगा आपको और आ, यहां से ही सर्च कर लेना पहले रूम सर्च कर लेना बात कर लेना फोन बात कर लेना एक जगह सेट कर लेना फिर जाके वहां पर आपने रहना स्टार्ट किया रहने के पहले अब आपका सेकंड टारगेट है कि आपको एक जॉब पानी आपको अगर सर बिजनेस की बात कर रहे थे जॉब पे आ गए सर मैंने अभी एग्जांपल दिया कि जब तक जब तक 6-6 साल लोग एम बी बी एस की पढ़ाई करते हैं उसके बाद भी उसके बाद एम बी बी एस पढ़ाई करने के बाद सीधे अस्पताल खोल के ऑपरेशन नहीं करने लगते उसके बाद भी किसी सीनियर अस्पताल में किसी सीनियर डॉक्टर के अंदर में वो कम से कम छः महीने दो साल एक साल की ट्रेनिंग करते हैं सोचो सोचो आदमी ने पहले छः साल पढ़ाई की पैसे लगाए इसके बाद भी वो दो साल एक साल किसी बड़े अस्पताल में किसी सीनियर डॉक्टर के अंडर में प्रैक्टिस करता है तब जाके वो अपनी कहीं क्लिनिक खोलता है या अस्पताल खोलता है तो आप ज़रा सी बात है आप बड़े होलसेलर बनने जा रहे हो तो आप क्या उसमें तीन महीने दो महीने भी नहीं दोगे क्या इतना भी सीखने की जहमत नहीं उठाओगे कि यार इतना तो सीख ले अगर नहीं उठाओगे तो नहीं सक्सेस होगे। गए बस सीधी सी बात हो सकता है कड़ो लगे लेकिन अगर आपके लिए ये हितकर है आपको अगर आज समझ में आ गई तो ठीक नहीं समझ में आई तो अपने पैसे गमा के समझोगे अब आप अब आप कहोगे तो सर वो मेरे बगल में एक ने तो खोली थी और उसका तो चल गया वो बहुत रेयर होते हैं एक की तो लाटरी भी लग जाती है तो आप खरीदते रहो लाटरी और बर्बाद होते रहो नहीं हो ना नहीं चलेगा ना एक आध अलग हो गया किस करिश्मा तो हो गया अब क्या करना है अब यहाँ तक आप जब आ चुके हो तो आपको जॉब ढूंढनी है उन हजारों शोरूम्स में आपको जॉब ढूंढनी है और एक चीज मैं बताऊँ अगर आप पाँच दिन में जॉब नहीं ढूंढ पाए ध्यान से सुनना हो सकता है फिर बात आपको कडू लगे अगर आप उस पाँच दिन में जॉब छः दिन में नहीं ढूंढ पाए उन हज़ारों शोरूम्स में तो ये समझ लेना कि आप होलसेलर के लिए बने ही नहीं हो अगर आपको पाँच छः दिन में जॉब मिल जाती है जॉब मिलने का मतलब क्या हो गया आपकी बात करने की स्किल अच्छी है आप अच्छे से समझा पा रहे हो अपनी बातें प्रेजेंट कर पा रहे हो तो ही तो आपको जॉब मिलेगी और अगर जॉब मिल जाती है तो समझना कि आप में वो पावर है कि आप लोगों को समझा सकते हो आप लोग ये एक तरीके से समझ लो बिज़नेस के लिए इंटरव्यू है अगर आप जॉब पा लेते हो इसका मतलब आपके लिए बिजनेस के लिए इंटरव्यू तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपको जॉब ढूंढनी ठीक वो मैं रेट पर नहीं जाता कि आपको आठ हजार की मिलती है दस हजार की मिलती है पंद्रह हज़ार कितने की मिल जाए आप ढूंढ लो बस अब जब आपको जॉब मिल गई मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको छः दिन में जॉब मिल गई तो आपका जो हॉस्टल का खर्चा है वो खत्म हो गया आपके डेली खर्चे खत्म हो गए यानी कि रहना एकदम फ्री हो गया लगभग लगभग ठीक है अब इसके बाद आती है जब आपको जॉब मिल चुकी है तो आपको दिखाने की जॉब होगी कि भाई साहब ये देखिए भाई साहब वो देखिए क्यों तो एक चीज़ और बताऊं ये जॉब क्यों आपके लिए जल्दी मिल सकती है क्योंकि आपने उतनी एक्सरसाइज करके अपने गांव से चले हो या अपने शहर से चले हो आपने सब कुछ पता किया है कि क्या किस रेट पर बिकता है आजकल ट्रेंडिंग में क्या है फलाना दिमाग तो इतने बहुत अब वहाँ पर जॉब मिली अब आपको समझ में आएगा कि होल सेल का प्राइस क्या है एक दुकानदार को वो होल सेलर कितने में माल बेच रहा है उस चीज़ को क्या बोलते हैं कैसे डील होती है कैसे माल जाता है कैसे माल आता है यहाँ माल कहाँ से आता है बहुत ध्यान से समझो जो जगह जहाँ आप बैठे हो वहाँ माल कहाँ से आता है बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी अगर आप अपने आँख और कान खुले रखोगे तो वो वो चीज़ें सीखोगे आप वहाँ नौकरी करने सिर्फ नहीं गए हो आप सिर्फ सीखने गए हो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा जीवन भर नौकरी करते रहना हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए हो आप सकता है आपका पंद्रह से पच्चीस हजार हो जाए तो अटक मत जाना अगर अटक गए तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे क्यों हुआ है प्रमोशन क्योंकि आप एक अच्छे कारीगर हो आप एक अच्छे स्किल्ड पर्सन हो ठीक है तभी उसको बढ़ाया अब इसके बाद क्या है आप समझ गए सारी बातें कि क्या किस रेट पर है फलाने डेवा का ठीक है अब आपको छुट्टी तो मिलेगी ना गांव अपने घर जाने की छुट्टी मिलेगी मिलेगी जब आप छुट्टी पे आ रहे हो तो आप कम से कम 10-15 पीस सैंपल के लेके आओगे अपने मालिक के यहाँ से ध्यान से समझो मालिक से भी बोलोगे सर हो सकता है कि अपने होलसेलर के यहाँ बेच दें को क्यों नहीं दे देगा भाई आप कह के आओगे कि हो सकता है सर हम अपने होलसेलर के यहाँ जाएंगे इसको ये सारी चीज़ दिखाएंगे तो हो सकता है सेल हो जाए तो सैंपल के लिए हमें लेके जाता हूँ वो क्यों नहीं देगा आपने छः महीने पाँच महीने काम किया है बहुत अच्छे से और आप दस दिन के लिए जा रहे हो अपने घर जा रहे हो तो वो बहुत अच्छे से आपको दे देगा क्योंकि आप उसके बहुत अच्छे वर्कर हो अब आप क्या करोगे वो चीज़ें लाओगे बहुत ध्यान सुनो बहुत समझ दीजिए ये वीडियो जरूर फ्री का है आपको फ्री में देखने को मिल रहा है बट इसकी कीमत समझिए इसी चीज़ के ये तो खैर बताएंगे ही नहीं बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आपसे बहुत पैसा लेते हैं और मैं खुद जानता हूं उनके आउटपुट पे जब आप बाहर निकलते हो तो आपको लगता है अरे यार पैसे बेकार हो गए हंड्रेड अगर आपने कोर्स किया है किसी ना किसी चाहे वेबिनार किया हो चाहे जो किया हो आपको लास्ट में पछतावा ही होता है लेकिन जो ये फ्री का वीडियो है ना इसमें लास्ट में आपको लगेगा कि बहुत कुछ सीखने को मिला है तो फ्री का है बट बहुत कीमती है इस चीज को ध्यान पे रखिए जब आप अपने घर आओगे जब अपने आप जगह आओगे आपने एक चीज याद रखना कि आप यहाँ से जब गए थे ना तो सारी चीज़ सीख के गए थे सारी चीज़ सीख के गए थे कि भाई आ, क्या हमारे यहाँ चलता है वैसे ही पैटर्न के सूट लाना है ये नहीं कि ऊट पटांग आओ साउथ पैटर्न ले आओ पंजाबी ले आओ जो आपके क्षेत्र में अगर आप पंजाब से तो है ना जम्मू से हो तो जम्मू ले आओ जो आपके क्षेत्र का पैटर्न है वहां से लाना है और अपने होलसेलर को दिखाना है अब आप बताओ जो होलसेलर आपके क्षेत्र में है वो ये जरूरी हो हो सकता है किसी और दूसरे शहर से लाता हो तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हो कि आपके पास जो रेट है आपके पास जो नॉलेज है जो आपने समझा है वो जैसे ही उसको दिखाओगे और जो रेट वहां पे उस रेट में बिक रहा था अगर उससे दो चार परसेंट ज्यादा में बताओगे तो आपका सूट हंड्रेड परसेंट बिकेगा एक चीज़ उनसे ये कह देनी है कि भाई साहब मैं आपको नगद में दूंगा और ये रेट है अगर उसे अच्छा लग रहा होगा उसकी दुकान में आके कोई ये दे रहा है उसे तो जाना पड़ता है उसकी दुकान में आके उसके मन माफिक रेट पे उसे मनमाफिक सामान मिल रहा है तो क्यों नहीं लेगा एक सैंपल लेगा आपने अपने क्षेत्र में बोलोगे जो अपने होलसेलर है कि सर इतना इतना माल बिक रहा है आप भेज दीजिए वो भेज देगा सीधी सी बात है वो भेजेगा क्यों नहीं भेजेगा क्योंकि वो आपको जानता है आपका आधार कार्ड सारी की सारी चीजें उसके पास रही हैं आप उसके विश्वास पात्र बन चुके हो तो आपकी क्रेडिट पे वो माल वहाँ आ जाएगा सेल होगा फिर आपका माल रेगुलर में चलने लगेगा यानी कि होलसेलर ऐसे बनते हैं फिर एक शहर से दूसरे शहर दूसरे शहर से तीसरे शहर आप फैल सकते हो जाके नौकरी भी कर सकते हो और बिजनेस भी कर सकते हो दोनों काम आप कर सकते हो और नहीं तो आप सीधे सीधे वहाँ से होलसेल में माल खरीदोगे या लाओगे और यहाँ दोगे यहाँ से पैसे तुरंत ट्रांसफर करना देखिए एक चीज समझ लीजिए पैसे जितनी जल्दी हो सके जैसे ही आपने सामान भेजा सबसे पहले पैसे एक चीज याद रखो पहली डील पहली डील ना आपके विश्वास की होती है मान लो आपको उसने एक लाख का सामान दिया माना आपके होलसेलर ने जहाँ से आप आ, माल बेचते थे वहाँ सूरत से उसने एक लाख का माल दे दिया और आपने जैसे ही बिका एक मिनट के अंदर उसका पैसा ट्रांसफर कर दिया तो उसका विश्वास हो जाएगा फिर आपको वो दो का भी दे सकता है तीन का भी दे सकता है लेकिन अगर पहली डील में आपने इधर उधर बातें करने लगे आज नहीं सर आज ये फलाना नेट नहीं चल रहा दिमाग का नेट नहीं चल रहा एक कुछ एक्सक्यूज़ नहीं देना अगर नहीं भी चल रहा है तो चाहे जैसे दस पंद्रह बीस पच्चीस पचास सौ रुपए जहां एक्स्ट्रा पड़े लेकिन उसका पेमेंट टाइम से होना चाहिए ये सब एक्सक्यूज नहीं चलते हैं तो सब बाने बाजी है ठीक है तो उससे क्या होगा कि अगली बार आपको माल बहुत अच्छे से मिलेगा बहुत जल्दी मिलेगा और आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करने लगोगे इसकी इतनी बड़ी रेंज है इतनी बड़ी कीमत है कि आप समझ लीजिए इतना पैसा कमाओगे कि जिसकी कोई सीमा नहीं एक दुकान वाला क्या कमाता होगा एक बैठ के सूट बेचने वाला क्या कमाता होगा जितना आप कमाओगे वो भी बिना कुछ लगाए बिना कुछ जैसा पैटर्न चल रहा वैसा पैटर्न आपको लाने दिखाने जो चीजें हैं जो चीज़ नई नई आई है वो सब दिखाना है आपका जेब से जा क्या रहा है अब नौकरी के फायदे क्या हुए अब आप कहोगे सर बिना नौकरी के भी तो कर सकते हैं नौकरी के फायदे हुए आपकी स्किल बहुत तगड़ी बड़ी आपने छः महीने में में उस जगह वो चीज़ सीखी जो आप जीवन में नहीं सीख सकते थे दूसरी चीज़ आपने एक होल सेलर का विश्वास का जीता है सूरत के यानी कि वहाँ का अगर सिस्टम आपका सेट हो गया है तो आप सोचो कितनी बड़ी बात है आप कहीं भी जाओ कहीं भी बेच सकते हो ना एक जगह से आपका सामान मिलने लगे एक ऐसे रेट पे मिलने लगे जो एक्चुअल में जेन्यून रेट है आपको वहाँ की सारी बारीकियाँ बताए, तो आप क्यों नहीं बेच सकते हो क्यों नहीं कर सकते हो आप ये बताओ मुझे तो अगर आप ऐसे काम करोगे आप सोचो ना ये सारी चीज़ें होने लगी आप सामान लाने लगे सब कुछ हो गया अब आप, आप अपने क्षेत्र में बेचने लगे और आसानी से पैसे कमाने लगे भाई साहब एक चीज़ मैं बताऊँ पैसे या बिजनेस करने के लिए आप सोचते हो होलसेलर बनेंगे लाखों रुपए होने चाहिए करोड़ों रुपए चाहिए अरे भाई साहब कुछ नहीं चाहिए बस आपकी स्किल चाहिए सही तरीके से किया गया प्राय प्रयास चाहिए उचित उचित डायरेक्शन मैं ये दीवार है उस पर ताकत लगाता रहूँ और बहुत ताकत लगाऊँ और कहूँगी सर सुबह तक मैं मैंने चार महीने ताकत लगाई लेकिन दीवार नहीं हिली अरे भाई साहब आप गलत जगह ताकत लगा रहे थे अलमारी में ताकत लगाते तो अलमारी हिल जाती दीवार कभी नहीं हिल सकती चाहे जितना ताकत लगाओ तो यही चीज़ और फिर बोलोगे सर मैंने बहुत मेहनत किया था मेहनत की लेकिन सर दीवार तो नहीं हिली तो वो जो मेहनत थी वो गलत डायरेक्शन में थी और वहाँ कुछ होना नहीं था तो ये चीज़ होती है कि, कि किस जगह पे मेहनत करनी है और ये बताने के लिए जो अगर उचित मार्गदर्शन मिल जाए तो बहुत आगे जा सकता है मैं ये सब क्यों बताता हूँ मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है इस तरीके से हर सार पच्चीस हज़ार बोला था भाई साहब पच्चीस हजार भी नहीं लगेंगे ये भी मैं बता रहा हूँ मैंने बोला था मैंने कहा था लेकिन क्या लगेगा अब अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इस तरीके से आप सोचो ना अगर आप एम बी बी एस करोगे अगर आप बी टेक करोगे अगर आप लॉ करोगे तो कोई भी पढ़ाई करोगे कोई भी प्रोफेशन में जाओगे लॉ में जाओगे तो भी आपको तीन साल की एल एल बी करनी होगी उसके बाद किसी वकील के अंडर में प्रैक्टिस करते एकदम सीधे जाके सुप्रीम कोर्ट में क्या आर्ग्यूमेंट करने लगोगे क्या जीत जाओगे क्या सफल हो जाओगे नहीं होगे ना तो इसके लिए ये सब कुछ ज़रूरी है ऐसे ही बिजनेस के लिए सब कुछ ज़रूरी है और मैं ये क्यों बताता हूँ कि अगर आप ये ज़रा सी चीज़ें सीख जाओगे तो भारत में बहुत अच्छी क्रांति आ सकती है बिज़नेस की बहुत बहुत क्रांति आ सकती है और फिर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो अपने पर हमारा भारत सबसे आगे हो सकता है बस इतना ही कहना था अगले वीडियो में मैं फिर आपके सामने होंगा अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए हितकर था अच्छा था तो ज़रूर कमेंट्स करना ताकि जो लोग आ रहे हैं मैंने जैसे शुरू में बोला था वो देख के आए कि हाँ भाई वीडियो में ताकत थी और अगर आपको लगता है कि वीडियो में ताकत नहीं थी ऐसा ही था तो आप कमेंट कर सकते हो आप स्वतंत्र हो बस एक चीज और मैं ये कहनी थी कि अगर आपको लगता है कि कोई आपके आसपास ऐसा व्यक्ति है भाई है बहन है कुछ भी कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बेरोजगार है और कुछ करने की चाहत रखता है या उसके अंदर लगन है परिश्रम करने की इच्छा है तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना क्योंकि मेरी नज़र में रोजगार के दान से बड़ा कोई दान नहीं होता क्योंकि उससे सब कुछ पा सकता है एक आपकी छोटी सी सलाह से वो सब कुछ पा सकता है जो उसे चाहिए होगा बस इतना ही कहना था अगले वीडियो तक आपसे सुविधा चाहता हूँ तब तक के लिए नमस्कार